हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एरिया वेक्टर का, एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा था, वो था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, आज हम एक नए तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे, जो कि बहुत आसान प्रॉब्लम्स होंगे। शुरुआती दौर के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आसान होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। प्लेन एंगल जानते हो, लेकिन गॉसेस थ्योरम एक्चुअली क्या होता है कि हाईली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से गॉसेस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो फिर ऐसे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जो होता है उससे हम काफी अच्छे तरीके से चीजों को डील कर सकते हैं। तो सॉलिड एंगल देखेंगे और फिर सॉलिड एंगल देखने के बाद हम गॉसेस थ्योरम को समझेंगे और गॉसेस थ्योरम में सॉलिड एंगल अप्लाई करके देखोगे कितनी आसानी से चीजें जो है आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और फिर हम बात करते हैं एक नए तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने का। जो लास्ट पहले मैंने आपको जो बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो ये था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेसिकली डीफाई, अगर मैं इसको बोलूं तो डीफाई जो होता था वो होता था कितना, डीफाई होता था ई डॉट डी ए, बच्चों ने हमारी बात सुनी थी। और फिर फाई निकालना होता था तो वो होता था ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। अब इसमें दो बातें होती थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल के इंटीग्रेट में आता था। ठीक है, मतलब फाई इक्वल्स टू, अगर मान लो ई इक्वल्स टू क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो अगर ई कांस्टेंट है तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा ई और डॉट इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट डीए, और ये बन जाएगा सर ई डॉट ए। सो सिंपली फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, और इससे रिलेटेड हम कुछ चीजों को कर चुके हैं। अगर मान लो ई कांस्टेंट नहीं है, जैसे यहाँ ई कांस्टेंट था और अगर अब ई कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे केस में जो फाई होता था दैट वुड बी व्हाट, इंटीग्रल व्हाट, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर रखकर फिर इंटीग्रेट करो। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लास्ट क्लास में आपको बताया था, हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ कि इट्स बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। किसी भी एरिया से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनेट्रेट होते हैं वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, और ये जो मेथड था उससे बेटर आपको एक मेथड बताता हूँ, ऑल्टरनेटिंग मेथड। Method to calculate electric flux. Electric flux को calculate करने का एक नया method, बच्चों शानदार method है, ध्यान देके देखना, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले नंबर बात, अगर मान लो आपके पास कोई चार्ज है कहीं रखा हुआ है, ठीक, अब चार्ज कहीं रखा हुआ है तो एक काम करो कि हम इस चार्ज की वजह से मान लो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सर मान लो आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना चाहते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बड़ा आसानी से कैलकुलेट कर लेते थे, ई इक्वल्स टू क्या होता था, केक्यू ओवर माइनस आर होता। लेकिन देखो इसी को करने का एक नया तरीका ये है कि मैंने क्या किया कि ये जो पी वाला पॉइंट है इसको मैंने एनक्लोज कर दिया इस तरीके से। मतलब मैंने ये जो पी पॉइंट था इसको लेते हुए मैंने स्फीयर बना दिया, मतलब क्लोज सरफेस बना दिया। बच्चों इस क्लोज सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। आप या तो क्लोज सरफेस बोलो या गॉसियन बोलो, डजंट मैटर। तो गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक एरिया ले लिया, एक छोटा सा एरिया लिया जो पी को क्लोज कर रहा है। तो एरिया वेक्टर आपको पता है था क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये एरिया वेक्टर हो गया डायरेक्शन। अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानते ही हो ना कैसे होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है सर, ऐसे होता है, ऐसे कुछ, ठीक। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, किधर ही होगा। तो एक चीज क्लियर हो गया, और एक चीज आप 100% क्लियर है ना कि जो E और जो DA होगा यानी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बच्चों बनेगा आपके लेवल पे यानी कि JEE या NEET के लेवल पे बच्चों सिंपली 0 डिग्री ही बनता। तो अगर आप यहाँ फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो
फ्लक्स का फॉर्मूला तो वही लगेगा, E डॉट dA। बच्चों ये क्या है, E dA cos 0 डिग्री हो गया। यस, तो इसका मतलब बच्चों इंटीग्रल E dA हो गया। अब जानते हो आप अच्छी तरीके से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इस पर्टिकुलर केस में क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि r डिस्टेंस पे आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, हर जगह आ रही है, तो r इज फिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन वुड बी फिक्स, तो इट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप हर जगह एरिया वेक्टर बना दो, आप देख लो एंगल जो बन रहा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप देखो ई और डी ए के बीच में एंगल क्या है, सर हर जगह क्या है, सेम ही है, इधर ही और इधर ही क्या डी ए, सिमिलरली इस पोजिशन पे भी यही है, ई इधर की तरफ और डी ए भी इधर की तरफ। यहाँ भी बच्चों क्या हो रहा है, अगर आपने एरिया बना लिया तो डी ए इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों इधर की तरफ ही है, तो ई को बाहर निकाल लिया आपने, तो फ्लक्स को क्या लिखेंगे, सर फ्लक्स वुड बी ई इंटू इंटीग्रल डी ए। ओके, अच्छा बच्चों ई क्या हुआ है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डीए को क्या लिखोगे, ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर कंसीडर किया है जिसमें ये चार्ज क्या हो गया, इनक्लोज हो गया, ये स्फीयर है बच्चों, योर क्लोज सरफेस विच आई हैव टेकन हियर इज व्हाट इज स्फीयर, सो स्फीयर का एरिया जानते हो 4πr² होता है। अच्छा के की वैल्यू डाल दो बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1/4πε₀ × r² × 4πr² बच्चों जो जा रहा है कट रहा है उसको काट दो, देखो ये 4π और ये 4π गया, क्या बचा, और भी कुछ जा रहा है, सर बिल्कुल जा रहा है, r² भी कट गया, तो जो बच गया उसको लिख दो, और वो आया q/ε₀। तो इसका मतलब आप जो है एक नया फॉर्मूला आपको मिला फ्लक्स का, क्या है ये फॉर्मूला, φ = what, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक आपको नया फॉर्मूला बना जो कि है q/ε₀, जहां q बच्चों क्या है, एनक्लोज चार्ज है, ये चार्ज एनक्लोज है, ठीक। अच्छा अब इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप जिनको इंप्लीमेंट कर सकते हो प्रॉब्लम्स को करते समय, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो कहीं भी r नहीं है, r का मतलब पोजीशन नहीं है, मतलब यहां जो phi है इज इंडिपेंडेंट टू r, r से इंडिपेंडेंट हो गया बच्चा, r से इंडिपेंडेंट का मतलब कि अगर आप बड़ा गोला लो, स्क्वायर लो, या छोटा गोला लो, यानी मान लो ये r1 रेडियस का है या r2 रेडियस का है, इसके केस में भी फ्लक्स q/ε₀ होगा, अगर चार्ज इनक्लोज क्यूब है, यहाँ चार्ज इनक्लोज क्यूब है, तो यहाँ भी फ्लक्स क्या होगा, q/ε₀। बड़ा ही शॉकिंग रिजल्ट। दूसरा फायदा सर, दूसरा फायदा हुआ कि सर ये शेप से भी इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट टू शेप, मतलब ये हुआ बच्चों कि शेप का मतलब अगर मान लो क्यूब ले लो या क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, इस तरीके से मान लो मैंने क्यूब ले लिया, इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनेट्रेट होगा हर डायरेक्शन में, वो बच्चों जो होगा आपका दैट इज अगेन q/ε₀। तो इसका मतलब है कि सर इट इज इंडिपेंडेंट टू से, पहला इंडिपेंडेंट टू व्हाट आर, थर्ड इंडिपेंडेंट टू से, सेकेंड इंडिपेंडेंट टू सेल, और तीसरी जो होगी बच्चों वो ये होगी कि ये लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है, इट इज ऑल्सो लोकेशन इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है सर, लोकेशन इंडिपेंडेंट का मतलब है बच्चों कि ये गोले में चार्ज आप यहां रखो या यहां रखो, फ्लक्स जो होगा, मतलब आप चार्ज को यहां रखो इस स्फीयर में, जीएस लिख रहा हूं गॉसियन सरफेस के लिए, जीएस है ना, तो जो गॉसियन सरफेस लिया उसमें चार्ज यहां हो या कहीं यहां हो, जो फ्लक्स होगा दैट वुड बी अगेन q/ε₀,
इसका मतलब है कि ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं. फर्स्ट, फ्लक्स फाई इज इंडिपेंडेंट टू आर. सेकेंड, इट इज इंडिपेंडेंट टू सेव. एंड थर्ड, इट्स ऑल्सो इंडिपेंडेंट टू वॉट लोकेशन. इफ यू आर कीपिंग द चार्ज एट एनी प्लेस इन साइड द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स वुड बी सेम. इफ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ शेप, देन स्टिल फ्लक्स इज वॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड फॉर अ स्मॉलर स्फीयर और गॉसियन सरफेस और फॉर अ बिगर स्फीयर और गॉसियन सरफेस, फ्लक्स वुड रिमेन इंटैक्ट एंड इट्स वैल्यू इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. सो अगर आप थोड़ा सा इसको इधर जो मैंने बताया और इसको देखोगे तो यहाँ हम क्या करते थे, अगर इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है बच्चों तो हम फ्लक्स क्या लिखते थे, ईए कांस्टेंट, ईए कॉस थीटा आता था. अगर कांस्टेंट नहीं है तो फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डीए करते थे. ये बहुत झमेला वाला मेथड था, बहुत मुश्किल मेथड था, और देखो आपको कितना फटाक से बहुत बेहतरीन चीज आ गया. फ्लक्स की वैल्यू, सबसे पहले चार्ज को इनक्लोज कर दो. बिना चार्ज को इनक्लोज किए हुए आप फ्लक्स का बात भी नहीं कर सकते हो कि चार्ज इनक्लोज होगा. मान लो ये रूम है, इसमें मैंने एक चार्ज रखा. अब ये चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हर डायरेक्शन ओमनी डायरेक्शन में निकलेगा और वो इस सरफेस को, डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस को पेनिट्रेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स होगा. और इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो सिंपल टू डील विद. मेरे पास एक एमईए स्फीयर है इस तरीके से बच्चों, एक एमईए स्फीयर है और यहाँ पे चार्ज एमईए स्फीयर के, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है. सर ये क्या है, एमईए स्फीयर है. आपको फ्लक्स बताना है एमईए स्फीयर से, यानी कि फ्लक्स एमईए स्फीयर से क्या होगा ये बताना. ठीक, अब देखो सबसे पहला नंबर बात, आप क्या करो, ये एमईए स्फीयर था ना और चार्ज यहाँ पे था क्यों, आपने क्या किया, इस गोले को कंप्लीट कर दो, यानी कि एमईए स्फीयर को स्फीयर में कन्वर्ट कर दो. जैसे आपने स्फीयर में कन्वर्ट कर लिया तो बच्चों फ्लक्स जो होगा इस पर्टिकुलर गोले के लिए, यानी इस स्फीयर के लिए बच्चों, क्यू अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया स्फीयर के लिए. तो एमईए स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा, एमईए स्फीयर के लिए बच्चों स्फीयर के लिए हो गया. और एमईए स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा. इसका मतलब क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, खत्म. कितना पूरे गोले के लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आधे के लिए कितना, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. मान लो कि आपके पास एक इस तरीके से स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड ए है, ठीक, और यहां पे आपने इसके सेंटर से ए बाई टू पे एक चार्ज प्लस क्यू डाल दिया. फ्लक्स बताना है किसके थ्रू, इस स्क्वायर के थ्रू. Impossible to calculate unless we don't enclose what? The charge. अब इसके लिए क्या करेंगे, सर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जिसके अंदर ये क्या हो जाए, चार्ज अंदर आ जाए. तो गॉसियन सरफेस जो सुटेबल होगा वो कौन सा होगा, क्यूब होगा. अब देखो ये A, ये सारा A है, ये A है और ये A है, तो ऑब्वियसली बात है इसके सेंटर पे यहाँ पे क्यूब है, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या बन बोला है बच्चों, ए बाई टू. अब देखो इस पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्यूब के थ्रू कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये क्या है, गॉसियन सरफेस है. यहां भी ये क्या बनाया था मैंने, गॉसियन सरफेस बनाया था. अब मुझे एक फेस के थ्रू चाहिए, यानी स्क्वायर के थ्रू, स्क्वायर का मतलब एक फेस के थ्रू कितना हो जाएगा, छह फेस के थ्रू कितना हुआ, क्यूब का मतलब सिक्स फेसेस के थ्रू हुआ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिंगल के थ्रू क्या होगा, क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन. मान लो मैंने ये एक 2L लेंथ या 2L लेंथ का आपके पास स्क्वायर है, इसको डिस्टिंग्विश कर देता हूं, चार्ज इसके एज पे रखा हुआ है, इसके एज पे क्यों, आपके पास एक स्क्वायर फ्रेम है
जिसका लेंथ क्या है बच्चों, 2a है। अब इसके अंदर कितने हैं, 4 है ना, तो इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है, इस वाले के कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज के ऊपर। आपको फ्लक्स बताना है इसी के, यानी कि फ्लक्स आपको बताना है, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड 2a बताना है। अब इसके लिए बच्चों आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको गॉसियन सरफेस बनाने आना चाहिए। गॉसियन सरफेस जो है वो यहां क्या होगा, QB होगा। इस तरीके से अब इसमें क्या है, यहां S है, ठीक, ये कहां रखा हुआ, चार्ज कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चार्ज मान लो यहां है, ठीक है, यहां पे। तो इस पूरे के थ्रू, और ये साइड कितना है बच्चों, साइड है सर 2, अब क्या होगा, जो फ्लक्स होगा, 6 जो फेसेस बन रहे हैं ना इसके, 6 फेसेस के थ्रू कितना हो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब मान लो यूनिटरी मेथड लगाता हूं तो फ्लक्स थ्रू द 6 फेसेस, 6 फेसेस के थ्रू कितना है बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल के थ्रू फ्लक्स थ्रू होगा, 1 फेस के थ्रू कितना होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और उसके भी 1/4 यहां रखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है इसके भी 1/4 फेस पे क्या होगा, वो होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4, तो ये कितना हो गया, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो देख रहे हो कि कितनी आसानी से प्रॉब्लम कर पा रहे हैं, सॉलिड है। एंगल बच्चों जानते हो आप दो तरीके का होता है, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है बच्चों सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के बारे में आपको आइडिया है, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट था पी से क्यू पे पहुंच गया, जो एंगल स्विप करेगा जैसे वो अर्थ प्लेन एंगल, और यहां जो एंगल होता था थीटा दैट इज आर्क, पी क्यू अपॉन सर रेडियस हो गया, यानी ओपी हो गया। इसका यूनिट होता था सर कितना, रेडियन, इसका यूनिट होता था बच्चों रेडियन। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल, जो कि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है, और सॉलिड एंगल पढ़ेंगे फिर गॉसियन थ्योरम पढ़ेंगे फिर क्लब कर देंगे, और देखना फिर कितनी आसानी से प्रॉब्लम हो जाता है। सॉलिड एंगल जो होता है बच्चों वो एक अनोखा कॉन्सेप्ट है ना, और इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लो कुछ ऐसे आपके पास ये है ना, ये एक सॉलिड मान लो सीच है, ये कुछ यहां एंगल सबटेंड करेगा, ये जो एंगल सबटेंड करेगा ना ये बेटा सॉलिड थिंग है, ये जो एंगल सबटेंड करेगा इसको बोलते हैं ना सॉलिड एंगल। ये है बेटा एरिया डीए, ठीक, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सर वो है आर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप देखो, आप आइसक्रीम खाते हो ना, ये कोन होता है कुछ ऐसा, ये कोन होता है, ये कोन जो है बच्चों यहां पे जो एंगल सबटेन कर रहा है दिस इज व्हाट दिस सॉलिड एंगल, अगर मान लो ये आर है तो सॉलिड एंगल। पैरासूट देखा होगा आपने, पैरासूट ऐसे उड़ता हुआ होता है, ये बच्चों यहां पे सॉलिड एंगल फॉर्म करता है, समझे, ये पैरासूट है, ये पैरासूट, और ये आपका क्या है कोन है, सॉलिड एंगल फॉर्म करता है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है। तो ये जो एंगल फॉर्म करता है
उनको हम बोलते हैं सॉलिड एटम, ठीक है ओके। अगर मैं बोलूं कि कुछ इस तरीके से आपके पास एक ये सॉलिड पार्ट है, यहां से डिस्टेंस आर है, ये सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा, ये एरिया वेक्टर हो गया डी एल, आप समझ ही रहे हो। तो जो ये होता है दैट इज व्हाट डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का। यूनिट बच्चों जो इसका होता है वो होता है स्टे रेडियन, यूनिट होता है स्टे रेडियन, ये आप पहले भी पढ़े हो यूनिट डायमेंशन में स्टे रेडियन, ठीक। अच्छा ये तो सीधा है बच्चों, और एक बात आप देखोगे शॉकिंग होगा आपके लिए कि मान लो आपके पास कोई इस तरीके से स्फेरिकल अरेंजमेंट, तो देखो स्फीयर जो है इसमें ये छोटा सा एक मान लो मैंने टुकड़ा ले लिया है। अब ये जो है स्फीयर का ये वाला पार्ट बच्चों सॉलिड एंगल फॉर्म करता है, एरिया वेक्टर सर इधर की तरफ हो गया, अब आई बात समझ में। और इनको सबको जोड़ दोगे तो पूरे के लिए आपको क्या मिलेगा, एंगल मिल जाएगा, यानी कि पूरे स्फीयर के लिए, ये तो छोटा सा पार्ट है ना। मान लो कि मैं यहां लिखूं डी ए फॉर्म कितना होगा बच्चों आर स्क्वायर, तो अगर आपको सॉलिड एंगल निकालना है तो यू हैव टू सिंपली इंटीग्रेट डी एंड आर थे, आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा सॉलिड एंगल पूरे स्फीयर के लिए मिल जाएगा, अगर मान लो ये स्फीयर है तो, ठीक है बच्चों ओके। अच्छा क्या हो जब एरिया क्लियर हो, मतलब अभी तो क्या था एरिया ऐसा था जो भी हमने देखा, एरिया ऐसा था, अब ये एरिया ऐसा ना होके टेढ़ा हो जाए, तो टेढ़ा का मतलब सर ऐसे टिल्टेड हो जाए तो फिर कैसे होगा। तो सर एरिया वेक्टर तो हमें पता है वो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया डीए, ये आपका सॉलिड एंगल हो गया, मान लो ये इसके साथ एंगल बना रहा है कितना थीटा, तो और ये डिस्टेंस है क्या आर, तो क्या ये डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो डी ओम इक्वल्स टू डी ए अपॉन व्हाट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस वुड बी योर सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये अनोखा एक कॉन्सेप्ट है, मतलब आप देखो ध्यान से, तो कोई भी अगर आपके पास जो है एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, अपने सेंटर पे क्या करता है वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट सबटेंड करता है क्या सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, ठीक। और इन सब को ऐसे छोटे छोटे ये टुकड़ों से मिलकर बना हुआ जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो सेंटर पे वो पर्टिकुलर जो जो भी आपके पास ये शेप है वो आपको सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा, ठीक हो गया। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेनली फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में रिलेशनशिप, मान लीजिए बच्चों कि कोई भी अगर आपके पास कर्व सरफेस है ना, जैसे ये कर्व सरफेस है, इस तरीके से क्या होगा ये सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, ठीक। और प्लेन एंगल जो बच्चों होगा वो थीटा होगा, तो फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, जहां थीटा है बच्चों और ये प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक। ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है और इस रिजल्ट का हम खूब सारा यूज करेंगे प्रॉब्लम्स। मान लो आप बात करते हैं हेमी स्क्वायर पर, हेमी स्क्वायर पर बात करते हैं, ठीक। तो हेमी स्क्वायर सर कुछ ऐसा हो, ऐसा ये सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा और ये हुआ आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री। तो हेमी स्फीयर के लिए बच्चों क्या होना है कि
कि जो सॉलिड एंगल होगा दैट वुड बी 2π/1 cos θ। थीटा कितना है बच्चों यहाँ 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है 0, तो 2π। सॉलिड एंगल कितना ट्रेस किया 2π ट्रेस किया। अब देखो अगर हम बात करते हैं फॉर स्फीयर, बच्चों अगर मैं स्फीयर का बात करूं तो स्फीयर कुछ ऐसा होगा, इसमें जो प्लेन एंगल फॉर्म करेगा दैट वुड बी व्हाट पाई। तो फिर ऐसे केस में सॉलिड एंगल इक्वल टू 2π/1 cos θ, तो cos पाई हो गया विच इज -1, तो ये हो गया 4π। अच्छा, तो इसका मतलब हर ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो क्या करता है, एक सॉलिड एंगल जो है बच्चों वो फॉर्म करता है। अब इसी का हम फायदा उठाएंगे और हम कुछ बातों को देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि कोई भी मान लो आपके पास एक अरेंजमेंट है, इसके अंदर अगर चार्ज एनक्लोज है गॉसियन सरफेस के अंदर, तो फ्लक्स जो आया था बच्चों वो आया था कितना q upon epsilon naught। ठीक, स्फीयर का ही बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि 4π स्टेरेडियन सॉलिड एंगल एनक्लोज एनक्लोजेस हाउ मच q upon epsilon naught। 4π स्टेरेडियन में फ्लक्स कितना है बच्चों q upon epsilon naught, तो यूनिट में कितना हो जाएगा, यूनिट में phi इक्वल्स टू होगा q upon 4π epsilon naught। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपके पास चार्ज है, ध्यान से देखो, मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया और गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फीयर ले लिया बच्चों, तो इस स्फीयर के अंदर आप इतना बात तो पहले से ही जानते हो कि जो फ्लक्स होता है व्हाट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, आज ही की क्लास में मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो इसका मतलब है कि और ये जान रहे हो कि ये सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा, और सॉलिड एंगल कितना फॉर्म करता है 4π स्टेरेडियन फॉर्म करता है कोई भी स्फीयर, तो 4π स्टेरेडियन में फ्लक्स कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट में कितना हो गया क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम मैंने बताया था सेकेंडों में, अब देखो कैसे हो जाए, क्या बताया था, ये एक हेमी स्फीयर है, इसके यहाँ पे सेंटर तो नहीं है, ये यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और फ्लक्स बोला था हेमी स्फीयर के थ्रू बताने के लिए। ठीक, क्या होगा, अब तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि 4π स्टेरेडियन में कितना फ्लक्स q upon epsilon naught, तो यूनिट में कितना फ्लक्स इक्वल टू q upon 4π epsilon naught, तो 2π स्टेरेडियन करता है ना। अभी देखो 2π स्टेरेडियन कौन सा है, हेमी स्फीयर, तो 2π स्टेरेडियन के लिए phi इक्वल टू कितना हो गया q upon 4π epsilon naught इनटू 2π, ये 2 और 2π 2π कट गया, 2π 4π कट गया, कितना आ रहा है q upon 2 epsilon naught। तो यही था ना हेमी स्फीयर के लिए फ्लक्स, देखो कितने आसानी से थोड़ा सुन लेंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। आप केवल यही ध्यान दो, एक और बात आपको बता देता हूं, नेचर का कोई भी कर्व हो आपके पास, मान लो ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, किसी भी ढंग का मान लो ऐसा कर्व है, लेकिन इसके अंदर मान लो चार्ज है क्यों, तो ये बात ध्यान रखना इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक स्फीयर तो आएगा ही आएगा ना, बस खत्म कहानी। इसका मतलब स्फीयर है, स्फीयर के अंदर चार्ज है, तो फ्लक्स कितना होगा पता है q upon epsilon naught, यानी 4π स्टेरेडियन के लिए कितना हो गया फ्लक्स q upon epsilon naught। अब आप चाहे कितने भी पार्ट के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, एनी कर्व सरफेस, कोई भी अगर आपके पास कर्व सरफेस है दैट एनक्लोजेस, एनी कर्व सरफेस एनक्लोजेस व्हाट, A sphere inside it. Sphere enclose करता है। ये खूबी है। मेरा इससे कंट्रोल नहीं हो जाना, ये अलग मैंने बताया।
ठीक है, लास्ट वीडियो में जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, उसमें क्वेश्चन ये था कि आपने क्या किया, एक प्लस टू चार्ज रखा यहाँ, और मान लो ये डिस्टेंस लिया था आपने x, और ये आपके पास था एक, क्या था, एक था डिस्क, क्या ये डिस्क है, ठीक, और आपको बताना था इस चार्ज की वजह से डिस्प्लेस फ्लक्स, यानी कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपको बच्चों बताना था फ्लक्स। ओके, अब देखो इस प्रॉब्लम को मैंने मेरे ख्याल से पूरा एक बोर्ड लगाया था, और मैंने उस समय भी आपको बोला था कि देखना जब आपको मैं सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो ये प्रॉब्लम आपको एक लाइन में होगा। देखो कैसे, कोई भी ये डिस्क है किसका पार्ट होता है, स्फीयर का पार्ट होता है, इसका मतलब मैं यहाँ डायग्राम बनाया तो बड़ा सा, ये देखो मान लो मैंने ये डिस्क लिया, ठीक, छोटा बनाया जाए कुछ है, ये है बच्चों x और ये है सर r, यहाँ पे प्लस टू चार्ज। अब आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो गॉसियन सरफेस बनाओ, तो गॉसियन सरफेस मैंने ऐसे स्फीयर बना दिया। अब देखो क्या ये डिस्क स्फीयर का ही पार्ट हो गया, और ये चार्जर इनक्लोज हो गया, और इनक्लोज कोई भी सरफेस होता है तो फ्लक्स इससे कितना होता है, सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये हो। अच्छा सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, याद करो, अगर मान लो बच्चों ये एक्स है ये आर है तो ये क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये एंगल थीटा कितना ड्रेस करेगा, कितना, ठीक, तो मैंने पढ़ाया और इससे इसको मिला दो तो ये सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, सॉलिड एंगल बनाएगा भाई 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो इसका मतलब जो सॉलिड एंगल है दैट इज 2 पाई 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो मजा आएगा आपको, ये कुछ नहीं किया मैंने, इतनी आसानी से हो गया। अब आप जानते हो क्या कि 4 पाई स्टे रेडियन में, क्योंकि ये स्फीयर के अंदर घुस गया डिस्क, तो 4 पाई स्टे रेडियन में कितना फ्लक्स, फ्लक्स हो गया सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट में कितना हुआ भाई, यूनिट में हो गया फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया सर, तो भाई ये वाले सॉलिड एंगल में कितना होगा, यानी कि 2 पाई 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सॉलिड एंगल में कितना, तो कुछ नहीं सर, प्लस पाई इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये इंटू मतलब 2 पाई 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, काट पिट मचा लो इससे, इसको काट दो 2 हो गया, तो फाइनली कितना आ गया क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों याद करो यही प्रॉब्लम करने में कितना ड्रामा करना पड़ा था हमें, जबरदस्त ड्रामा करना पड़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लो, और फिर उसको क्या करो डीफाई निकालो, और डीफाई को इंटीग्रेट करो, फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आया था, लिमिट डालो सॉल्व करो, इतना सारा ड्रामा करना पड़ा था, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज दिस, ओके, ये चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एंड डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम दिस डिस्क इज नाउ मच एक्स, सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क ड्यू टू दिस चार्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर कंसिडरेशन इज व्हाट, कि सिंस दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट स्फीयर, इफ वी फॉर्म अ गॉसियन सरफेस, अगर हम कोई गॉसियन सरफेस बताते हैं बनाते हैं, एंड दिस गॉसियन सरफेस इज स्फीयर बिकॉज अ डिस्क कैन इजिली बी एकोमोडेटेड इनसाइड अ स्फीयर,
So our Gaussian surface would be what? Spherical. And now every sphere encloses flux of how much? Q upon epsilon naught. ठीक ओके एक और बात देखो कि सर सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में मैंने इसमें से पता है ये सर डिस्क का ये प्लेन एंगल हुआ और ये क्या हुआ सॉलिड एंगल हुआ तो ये फॉर्मूला आप जानते हो अभी बताए कॉस थीटा निकाल लो डाल दो अब देखो भाई कि अगर 4 पाई स्क्वायर रेडियस है मतलब किसी भी स्फीयर के फेस स्क्वायर के अंदर कितना सॉलिड एंगल बनता है 4 पाई तो 4 पाई में कितना फ्लक्स q / epsilon naught तो यूनिट में कितना इतना सर q / 4 पाई epsilon naught तो इस इतने सॉलिड एंगल में कितना तो इतना देखो कितने आसानी के साथ आपने ये प्रॉब्लम कर लिया और इसी प्रॉब्लम को करने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा था आपको भी याद तो मैंने तब भी बताया था कि पहले भारी समझो फिर आसान तो एक सेकंड का काम होता है अब बात करते हैं और हमने फ्लक्स के बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा पहले हमने एरिया वेक्टर पढ़ाया और उसके बाद आपने फ्लक्स पढ़ा और फिर एरिया वेक्टर का को पढ़ते हुए एरिया वेक्टर का यूज करके फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखा और अब हम देखेंगे कि जो फ्लक्स होता है उसका चार्ज के साथ क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और इसको बोलते हैं गॉसियन थ्योरम बच्चों कहता है E dot ds या da whatever da लिखो equals to q enclosed upon epsilon naught इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये चार्ज एनक्लोज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है अगर इसका मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊं तो ये होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ बेटा ये सरफेस एनक्लोज इंटीग्रल आप लिखो या ना लिखो बहुत सारे बुक्स में लिखा होता है नहीं भी लिख रहे हो तो इट मीन्स द गॉसियन थ्योरम इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर व्हाट गॉसियन सरफेस तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एनी क्लोज सरफेस फॉर एनी क्लोज surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. Word used is here charge enclosed and that should be very clear to you. Andar wala charge jaise main yahan aapko likh raha hu maan lo koi ek aapke paas surface hai do teen charge hai iske andar q1 q2 और एक चार्ज बाहर है क्यू थ्री बच्चों को एक बात ध्यान रखना कि जब आप लिखते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो फ्लक्स जो होगा वो क्या लिखेंगे हम ई देखो एक बात क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई दैट इज व्हाट ई डॉट डी ए एंड दिस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ इनक्लोज चार्ज ये दोनों है Q1 Q2 है बट इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों चार्ज की वजह से हुआ मतलब क्या कह रहे हो सर ई वन इंटू डी ए प्लस ई टू इंटू डी ए प्लस ई थ्री इंटू डी ए इक्वल्स टू क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड will occur due to all the charges q3 q1 and q2 but since charge enclosed in what q1 plus q2 तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा that will be due to outside as well as inside charge but q enclosed will be what the charge enclosed inside the Gaussian surface or inside the surface clear तो का application एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम बेटा एक बात क्लियर ले दे रहा हूं मैं नोट करके कि गॉसियन थ्योरम इज हाईली एप्लीकेबल फॉर
सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रोसेस थ्योरम हाईली एप्लीकेबल होता है। मान लो पहला इसमें मैं ले रहा हूं एप्लीकेशन, वो है किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट, सब पहले से भी जानते हैं क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट क्या किया कि मान लो आपके पास एक चार्ज क्यू है, आप सिर्फ आर डिस्टेंस के बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले क्या करोगे गॉसियन थ्योरम लगाने के लिए एक आपने क्या किया गॉसियन सरफेस कैलकुलेट ले लिया। और ये क्या है सर स्फीयर, तो ये स्फीयर हाईली सिमेट्रिक होता है। अब एक काम करो यहाँ एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड समझ ही रहे पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियल अपवर्ड होगा इधर ही होगा। अब गॉसियन थ्योरम को आप ध्यान से देखो तो वो क्या कहता है ई डॉट डीए इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ ई कॉन्स्टेंट में बाहर निकल गया, ये डीए रह गया क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इनटू बच्चों 4πr² क्योंकि स्क्वायर का एरिया यही होता है और क्यू एनक्लोज क्या क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब सॉल्व करोगे तो क्या आ गया क्यू अपॉन 4πr². इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या यही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। बट ये एक नया तरीका है ना, और जो कि बहुत मजेदार तरीका है, आप काफी इंजॉय करोगे जब इसके एक्चुअल एप्लीकेशंस की तरफ जब मूव करोगे ना, जब स्फीयर पर होगे बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्फीयर होता है तो फिर उसमें आप बहुत इंजॉय करोगे और ये बहुत आसानी के साथ होता है। दूसरा एप्लीकेशन लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एंड यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड या वायर, वायर या रॉड की वजह से। मान लो आपके पास ये तो आप पहले से भी सारी बातें जानते हो, क्या जानते थे सर लो रिवाइज करा देता हूँ। मान लो आपके पास एक वायर था जिसका लैम्डा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, किसी पॉइंट डी पे या आर पे अगर मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते थे और ये माइंड यू वन थिंग ये प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब है कि ये लंबा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज यूनिफॉर्मली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। लॉन्ग का मतलब होता है बेटा इनफाइनिटी लॉन्ग, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। सर बढ़िया से इसका फॉर्मूला जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा That would be 2k lambda by r, and this is also what E perpendicular. E parallel, E perpendicular आपको याद होगा? तो E parallel जो होता है, वो infinite के लिए zero जाता है, तो E perpendicular ही net electric field होता है, और इसकी value होती है 2k lambda by r. अब देखो, इसी को मैं Gauss's theorem का use करता हूँ, using Gauss's theorem. Gauss's theorem का use करके बच्चों, देखो कैसे ये आपको मैं एक second में बता देता हूँ। ये आपका रहा कैरी की रॉड, आपको कहां निकालना है सर आर डिस्टेंस पे निकलवाओ, आर डिस्टेंस पे निकालना है तो एक काम करो गॉसियन सरफेस बना दो। गॉसियन सरफेस जो बेस्ट सुटेबल होगा वो यहां पे होगा सिलेंडर लैम्डा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या किया मैंने एक छोटा सा यहाँ एरिया ले लिया, क्या एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल यानी कि सर इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या इधर ही होगा। तो अगर मैं गॉसियन थ्योरम लगा दूं और मैं बोलूं ई डॉट डीए इक्वल्स टू कितना क्यू अपॉन क्यू मतलब क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डीए कितना होगा। अगर इसका लेंथ जो है रॉड का वो है गॉसियन सरफेस बनाया लेंथ है कितना एल ठीक, और ये आर पे निकालना था
तो बच्चा e तो कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, इंटीग्रल डी ए क्यू एनक्लोज कितना लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों सर ये जो रॉड है इस पे लैम्डा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो लैम्डा क्या होता है बच्चों क्यू बाई एल होता है, ठीक, तो चार्ज कितना एनक्लोज हो गया सर लैम्डा इनटू एल, और डीए कितना हो गया बच्चों डीए होता है सर सिलेंडर का 2πRL और ये हो गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये खत्म, तो ई इक्वल्स टू कितना हुआ लैम्डा अपॉन 2π आर एप्सिलॉन नॉट, बच्चों एक काम करो दो से गुना करो और दो से डिवाइड करो तो 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, बच्चों 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट के होता है तो 2k लैम्डा बाय आर, यानी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ गया जो यहाँ था, लेकिन आप ध्यान दो इस पे कितना बड़ा काम किया था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, थीटा 1 एंगल लिया, इधर थीटा 2 एंगल लिया, फिर छोटा सा एक क्या किया था डीएल लेंथ लिया था थीटा पे जाके डी थीटा, और फिर उसके लिए डी निकाला डी का कंपोनेंट लिया फिर इंटीग्रेट किया सुटेबल लिमिट के साथ सॉल्व किया, तो ये पैरेलल लाइन ही परपेंडिकुलर आता था इसलिए ये लाइन में हो गया, दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट गॉसेस थ्योरम, ठीक, तो आज इतना ही रहने दो फिर कल की वीडियो में करा दूंगा। अच्छा एक बात और आपको बता देता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि अब हर दिन जो है एक वीडियो जो है आपको मतलब दूं मैं, है ना, तो कोशिश यही रहेगा मेरा कि जितना ज्यादा ज्यादा वीडियो डालता हूँ, थोड़ा इधर मेरे से गड़बड़ी हुई है कम वीडियो डाला है इसके लिए माफ कीजिएगा, बट कोशिश यही रहेगा कि आपको जो है ये नवंबर या मैक्सिमम दिसंबर तक आपके सारे वीडियो जो है क्लास 12 की अपडेट कर दूं मैं, और जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये काफी डिटेल्ड एनालिसिस है, एक एक चीज आपको पढ़ा रहा हूँ पूरी की पूरी मेरे एडवांस है, नीट वाले बच्चों को भी बेनिफिशियल है ये, है ना, वो भी देखेंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल है ना, तो ये पूरा का पूरा एकदम जो कंटेंट है ना ये पूरा एग्जॉस्टिव कंटेंट है, जो आप कहीं भी ऑलरेडी आप इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वो जो पढ़ाते हैं है ना, जो मैं भी खुद पढ़ाता रहा हूँ तो जो कंटेंट है वो पूरा ऑलरेडी कंटेंट है, आपको कहीं कुछ माथापत्ती करने की जरूरत नहीं है, आप बस जो वीडियोस हैं उनको देखो बार बार देखो और स्टूडेंट की तरह देखो, स्टूडेंट की तरह देखने का मतलब है कि पेन और पेपर हाथ में लो और फिर उसके बाद क्या करो आप उसको लिखो और पूरा का पूरा आप अपना नोट्स बना लो उसको बार बार, अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है कहीं नहीं समझ में आ रहा तो बार बार वीडियो को देख सकते हो, है ना, तो देखोगे तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी, और देख रहे हो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सारे प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड यही एंट्रेंस का खूबी होता है कि जो भी थ्योरी हम डील करते हैं वो सारे प्रॉब्लम ओरिएंटेड ही होते हैं, मतलब प्रॉब्लम के अनुसार हमने थ्योरी पढ़ाया, समझ रहे हो, थ्योरी के अनुसार प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम के ओरिएंटेड प्रॉब्लम के अनुसार थ्योरी है, और आप बस कुछ नहीं करो, अब जो भी आपके पास हैंड आउट्स हैं उनको बस प्रैक्टिस कर लो और जेई का जो प्रीवियस ईयर्स है उसमें अपने आपको चेक कर लो, ये वे होता है, बट इसके लिए आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा बच्चों और वो बहुत मुश्किल काम होता है ना, तो YouTube भी बहुत अच्छा मीडियम है प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे जो है अभी पढ़ाने वाले जो है फैकल्टीज हैं या एजुकेटर्स हैं वो सारे पढ़ा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, एक मेरी तरफ से भी एक छोटा सा प्रयास है, ठीक है, आप कोशिश करें कि उसका जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं उठाओ, ठीक, बट स्टूडेंट बन के आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो पढ़ सकते हो तक करो, ओके, थैंक यू।